Yeah! Yeah! तुमने हमें क्यों रोका? हाँ? क्योंकि मैंने ही नहीं कहा। लुक सच मोंटू को गायब गिद्ध के बारे में पता चल गया है। नहीं रे, तू डर मत। मुझे लगता है साथी को कल का डोज कम पड़ा। अभी गैजेट निकाल के ना इसको पूरा डोज देता हूँ। सुनो, आज से कोई भी बच्चा अपनी बैग क्लासरूम में लेकर नहीं जाएगा। मैं लेकर जाऊंगा। दोस्तों, मेरी माफी स्वीकार करो। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें कष्ट देने वाला, बट आज से मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। लाओ अपनी बैग दो। बॉस, ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब तुम दोनों भी चुपचाप सबके बैग उठाओ। मानव, लो अपनी बैग दो। बैग दो। आपने बोले तो आप ही उठो। हाँ बोल। चलो हाँ चलो 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 नहीं हाँ बस पीछे पीछे तकलीफ कोई तकलीफ हुई आपको? आपको भी तकलीफ हुई? अरे आपको कुछ चाहिए? सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर? आपको सर, आपको बुरे समय जी, आप देख रहे हो ना मैं कैसे अच्छा बच्चा बन गया हूँ। बस अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। सबके सामने हमारी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना केवल, तू नहीं समझेगा अच्छे बच्चों को हेल्प करने का सुख क्या होता है, उसकी खुशी क्या होती है ना? तो चुप कर। देखा बुरे समय जी ने मोंटू को कैसे लाइन पे लाया। वही तुझे पता है कि मोंटू कभी सुधर नहीं सकता, ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। अच्छा ठीक है, अभी एक टेस्ट लेता हूँ। चल अबे मोंटू, गैस के गुब्बारे, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट, ऐसा वो कह रहा था। क्या किया तूने? मेरा बैग सी सेक्शन में रख दिया और सी सेक्शन के रोन का बैग मेरी जगह पे रख दिया। पागल है क्या तू? बचपन से। ए चुप कर। सॉरी। और तू? इधर इधर। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। Yes, boss. Yes. Gussa. All gussa. You can do it, boss. Yes. तूने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। क्या बोला? बोल। मोटा। गैस का गुब्बारा। पानी का टैंकर। बेबी एलिफेंट। तेरी आवाज चेंज कैसे हो गई? जोर से बोल। वो मैंने नहीं, इन्होंने कहा। बॉस, शब्द हमारे थे लेकिन भावनाएं उसकी थी। पागल है क्या तू? ऐसा भी उसने कहा? हाँ। क्या बोला? याद रखना, मैं दिखाई नहीं देता पर हूँ तेरे आसपास ही। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया तेरी मर्जी फटकना, यानी मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लाज पड़ेगी।
दोबारा बोलू? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? पर इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, इन दो नमूनों को भी थी। मुझे बस दो मिनट दे, अभी इनके ऊपर ठिकाने लगा के आता हूँ। नमूनो, तुम मुझे याद दिला नहीं सकते थे कि वो कच्ची सी प्लान थी। तुम काम के बारे में भी सोचा करो बेवकूफ। ए क्यों रे, तू क्यों उठक बैठक कर रहा था? अगला नंबर मेरा ही है ना, हाँ इसलिए सोचा साथ में ही कर लेता हूँ। नॉनसेंस सचिन, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ मैं अभी तुम्हारी बैग लेता हूँ। ठीक है चलो चल। असंभव बालपरी, असंभव। आप ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं आपने परिलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। हमें तो ये समझ नहीं आता कि आपने डूबा डूबा एक का वरदान सुने बिना उन्हें वचन कैसे दे दिया। जवाब दीजिए बालपरी, जवाब दीजिए। दरअसल रानी परी, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही माँ से कहा था कि डुबा डुबाई को अंगीना थीम क्रीम वाला बक्सा चाहिए। माँ ने सोचा कि डुबा डुबाई वही मांगेगा, और इसीलिए माँ ने बिना सोचे समझे डुबा डुबाई को वचन दे दिया। नहीं बालवीर, आप तो बच्चे हैं, आपसे भूल हो सकती है, लेकिन बालपरी, बालपरी परिलोक की एक समझदार और जिम्मेदार परी है, और वो सपने में भी ऐसी गलती नहीं कर सकती। और डूबा डूबा एक, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बाल परी से दर्पण दीक्षा जैसा वरदान मांगने की? माफ कीजिए रानी परी, दरअसल था सुना मैंने दर्पण दीक्षा के बारे में, और था जानना मुझे कि होती क्या ये प्रक्रिया, लेकिन सच में नहीं पता था मुझे कि है इतनी खतरनाक प्रक्रिया। रानी परी, इनसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, जानबूझ के किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमें इस घटना को भुला देना चाहिए। अरे ये क्या, ये सारी परियां तो मेरा खेल बिगाड़ रही हैं। तुरंत कुछ कर भ्रमण, नहीं तो गई बाजी हाथ से। हाँ रानी परी, कह रही है सारी परियां एकदम सही। बुला दीजिए आप इस घटना को एक बुरा सपना समझ के। मैं तो पछता रहा हूँ ये वचन मांग के, लेकिन रानी परी, छोटा मुंह बड़ी बात है सतारे, मुझे ये चिंता भी कि आज के बाद नहीं रहेगी कोई कीमत परिलोक में दिए वचन की। नहीं डूबा डूबा एक, ऐसा नहीं हो सकता। परिलोक में परी का दिया हुआ वचन उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से बाहर निकल जाए तो फिर अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहता है। इसीलिए बाल परी को अपना वचन निभाना ही होगा। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन रानी परी, दर्पण दीक्षा जोखिम भरी हो सकती है। नहीं नाराज परी, इसमें कोई जोखिम नहीं, क्योंकि डूबा डुबाई केवल कुछ ही पलों के लिए बाल परी की शक्तियों को प्राप्त करेगा, और अगले ही पल दर्पण दीक्षा से वो शक्तियां बाल परी को वापस लौटा देगा। हाँ रानी परी, करूंगा मैं वैसे ही जैसे कह रही आप। रानी परी भी आ गई मेरे झांसे में, बस एक बार बाल परी की शक्तियां मिल जाए फिर समझ आएगा इन्हें कि कितना बड़ा जोखिम भरा है इस दर्पण दीक्षा में। इस मोंटू ने बहुत बार अपना होमवर्क हमसे करा है, अब देखना तुम्हारी टाइटर फिश कैसे करती हूँ। बेस्टोड।
तो मैं क्या कह रही थी मोंटू, कल मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी तो। अच्छा, क्या था उधर खाने में? हाँ, चॉकलेट केक था, पाइनएप्पल केक। क्या था, क्या था? उसे इसकी बात तो पूरी करने दो। बोलो। हाँ, तो उस वजह से ना मेरा होमवर्क ही बाकी रह गया था। हाँ, तो? तो तुम कर दोगे प्लीज? अरे बाप रे बाप, बॉस इसकी हिम्मत तो देखो, एक चीटी एक हाथी को अपना होमवर्क करने के लिए कह रही है। तूने मुझे हाथी कहा? अरे नहीं नहीं बॉस, मैंने इससे चीटी कहा। तो फिर ठीक है। लेकिन बॉस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, इन अच्छे बच्चों का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस क्लास से आपका वट तो गया समझो। गया। ए चीटी, नहीं तेरी हिम्मत कैसी साथी को होमवर्क करने बोलने की? तुझे पता है ये हाथी है ना, दूसरों से होमवर्क कराता है, टीवी जैसी चीटियों से होमवर्क कराता है, और तूने इस हाथी को ही कहा? डोज का असर कम हो रहा है, अब नेक्स्ट डोज देने की बारी आ गई। आज की बात कभी मत बोलना। समय, बुरा समय। समय जी, मुझे पता है आप यहाँ हो और आप यही चाहते हो ना कि मैं वाणी का होमवर्क कर दूंगा, वाणी का होमवर्क कर दूंगा, होमवर्क के साथ साथ कपड़े भी धो दूंगा, बर्तन भी घिस दूंगा, है ना बॉस? हमारा भी। वाणी, बट होमवर्क करने के लिए पेन नहीं है मेरे पास। बॉस टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास है ना। दो भाई दो। हाँ। हो गया। एक और बुक बाकी है। क्यों? ये बाद में करूँ चलेगा? नहीं। समय। थैंक यू, वेलकम। गुड मॉर्निंग। अरे बॉस, ये सब यहाँ क्यों है? सबका अलग अलग काम है। करो। बस इसके हाथ में चोट आई, इसलिए इसकी लेसेस बांधनी है। वो देखो, चलो चलो। बुरे समय जी, आप कहाँ हो? मैं बच्चों की सही तरह से मदद कर रहा हूँ ना, आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना? एक ही तो बॉस था हमारा, वो भी पागल हो गया। बॉस प्लीज, हमें हमारा पुराना मोंटू बॉस वापस कर दो प्लीज। वो बॉस जो बच्चों को सताता था। चुप बैठो, अगर बुरे समय जी ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। मिल गया बॉस के बहन का इलाज, मिल गया। बॉस वो देखो, गजानन सर। आप उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बता दो, वो पक्का आपको ये समझा लेंगे कि सच में कोई बुरा समय नहीं है, ये बस आपके मन का वहम है। नहीं 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 चलो चलो ना बॉस। ये लोग तो
पापा के पास जा रहे अब तो 100% श्योर है सब पता चल जाएगा। हाँ, पर अगर मोंटू ने अंकल को आज के और कल के किस्से के बारे में बता दिया तो फिर अंकल समझ जाएंगे कि कोई उनका वो गायब गैजेट यूज कर रहा है। मतलब अब हमारी टाइटर फिश होनी पक्की है। चलो परी, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। से जो सपना मेरी आंखों में कांच बनकर चुभता रहता था आज उसकी चुभन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मुझे बाल परी की शक्ति लेने से कोई नहीं रोक सकता। रुको परिया रुको, रोको इस प्रक्रिया को। डूबा, ये डूबा डूबा एक यहाँ पर है तो ये दर्पण दीक्षा प्रक्रिया किसके साथ चल रही है? ये कौन है? इसका मतलब दर्पण दीक्षा में जो डूबा डूबा एक है वो कोई बहरूपी है रानी परी। शांत परियों, शांत हो जाइए। आप सब घबराइए नहीं, हम अभी दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया को रोकते हैं। परी,